दुनिया भर में छाए कोरोना वायरस के खौफ से भगवान के मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। आलम यह है कि जिन भगवान हनुमान का नाम लेने से भूत पिशाच भी भाग जाते हैं, राजधानी में कनॉट प्लेस में बने उनके मंदिर को कोरोना से बचाया जा रहा है। वहीं यहां से कुछ किलोमीटर दूर पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले नमाजियों की माने तो उन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि अल्लाह की रहमत उन पर बनी हुई है। कोरोना वायरस के खौफ के बीच देश के प्रमुख मंदिर बंद किए जा चुके हैं, चाहे जम्मू स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर हो या फिर मुंबई का सिद्धि विनायक, उज्जैन का महाकाल मंदिर हो या शिरडी का साई मंदिर। लेकिन दिल्ली के कनॉट प्लेस में बना प्राचीन हनुमान मंदिर इस भारी संकट के बीच भी खुला हुआ है। हालांकि यहां पर आने वाले भक्तों के लिए सबसे पहले गेट पर सैनिटाइजर रखा गया है और इसी के साथ ही कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताता पोस्टर भी। यहां आने वाले भक्तों की भगवान में श्रद्धा तो है लेकिन कोरोना वायरस का खौफ भी। दर्शन करने आई आप? हाँ जी। आपने मास्क नहीं लगाया? अभी लगाया था, हटा दिया मंदिर। अच्छा, मंदिर में जाने के पहले हटा दिया, तो मंदिर में सब सेफ लग रहा है? हाँ जी। तो डर नहीं लग रहा मंदिर में जा रही है और मास्क नहीं लगाया? इसलिए मंदिर के जरिए भी यह भक्तों तक नहीं पहुंचे, इसके लिए मंदिर में कई व्यवस्थाएं की गई है। मंदिर के भीतर लगे सभी घंटों को लाल कपड़े से ढक दिया गया है ताकि भक्तों के बीच इन्फेक्शन ना पहुंचे, जबकि भगवान की मूर्तियों से पहले कलावा बांधकर बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि भक्त दूर से ही दर्शन करे और मूर्ति ना छुए। भगत लोग आते हैं वो घंटा बजाते हैं, तो हो सकता है कि उस पर किसी का इंप्रेशन वगैरह आ जाए जो शायद सस्पेक्टेड हो बीमारी कोरोना से, तो इसको हमने बांध दिया है कि लोग इसको ना बजाएंगे और ना किसी का इंप्रेशन वगैरह उस पर आए। और उसके बाद जितने भी एरियाज हैं मंदिर के जहाँ पर लोग छू सकते हैं, माथा लगा सकते हैं, जो भी सिंहासन है और जो मेटल के एरियाज हैं जैसे रेलिंग वगैरह है, इसको हम टाइम टू टाइम थोड़े छोटे इंटरवल पे इस पर जो है हम फ्यूमिगेशन करते रहते हैं और दवाई से जो भी है पोछा वगैरह इस पर हम बराबर लगाते रहते हैं। मंदिर में साफ सफाई के साथ ही सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है और आने वाले भक्त मास्क लगाकर पूजा करते नजर आ रहे हैं। प्राचीन हनुमान मंदिर में हर आयु वर्ग के भक्त के आने का सिलसिला जारी है और वो कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सजग भी है। इसके उलट पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अलग ही नजारा देखने को मिला। जामा मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकले कई नमाजियों से जब पत्रिका संवाददाता शैलेंद्र पांडे ने बात की तो उन्होंने कहा कि सब कुछ अल्लाह करता है, कोरोना वायरस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना ही नहीं, अल्लाह के इन बंदों का मानना है कि वो मौत से नहीं डरते, अल्लाह पर पूरा भरोसा है और उनकी रहमत है तो किस बात का डर। हमारा यकीदा है कि अल्लाह के हुकुम से होता है, जो करता है अल्लाह करता है, इसके सिवा कोई कुछ नहीं करता। अगर हमें इस चीज़ का लगना होगा तो अल्लाह के हुकुम से लगेगा, नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा। कोरोना वायरस का तो खौफ है लेकिन यह है कि अल्लाह का हुकुम नहीं है, हमें अल्लाह के ऊपर ज़्यादा यकीन है, कोरोना वायरस पर नहीं है। जब मौत आएगी तो 7 सालों में भी आ जाएगी, मौत से नहीं डरते। अभी आ जाए किसी के बस की नहीं है, ये जो है बीमारी भी देना अल्लाह के हाथ में है और शिफा भी देना अल्लाह के हाथ में है। ऐसी बातें कब तक भागेंगे हम मौत से, जितना हम परहेज करेंगे इतना ही उसमें और डर बैठेगा। वैसे इन सब के बीच आपको अच्छी तरह पता है कि ऐसे माहौल में जब पूरी दुनिया कोरोना से बचने की जुगत में भिड़ी है तो आपको भी खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। घर पर रहें, बार बार हाथ धोएं और बाहर जाने से बचें। अगर बाहर निकलना ही पड़े तो मास्क पहने, 22 मार्च को पूरे दिन जनता कर्फ्यू का पालन करें और देशवासियों का साथ दें। दिल्ली की जामा मस्जिद में आज जुमे की नमाज अदा की गई। पहले की तरह कोरोना वायरस का कोई खौफ यहाँ नज़र नहीं आया। लोगों का कहना है कि मौत आनी होगी तो कहीं भी आ जाएगी, अल्लाह पे उनको पूरा यकीन है। अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ में वो यहाँ नमाज पढ़ने आए थे। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो रास्ते में ज़रूर मुंह ढक के चलते हैं, थोड़ा एहतियात बरतते हैं, लेकिन ये अल्लाह का दरबार है, यहाँ पर किसी तरह के नकाब की, किसी तरह के मास्क की कोई ज़रूरत नहीं। मैं शैलेंद्र पांडे, पत्रिका टीवी के लिए।